वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का शुक्रिया करते हुए हम जा रहे हैं। क्या लेने के लिए? गाय लेने के लिए। हमारा गाड़ी ने छोड़ दिया, थोड़ा लेट हुआ इसलिए हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं। बहुत आज मेरा साथ है यहाँ पे है डोन छोटा, और वहाँ पे है दूसरा डोन। कहाँ 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 भनदिन तो सन्ते हामी चाहिँ प्रेमलिङ्गाको गाई लिनु। ए कसकोमा? माथि पन्दी आन्टीकोमा भनिदिनु नि। पन्दी आन्टीकोमा ओ एकजना दोतेला खोल्नु थाल्यो। गाडी लस छिटो गाडी यहाँ गाडी। आज सुबेका बढिया न्युज वही है, हम लोग जा रहे हैं वो काउ लेने के लिए, क्योंकि सुबह में घर से निकलने के लिए टाइम में आप लोग का वीडियो बना नहीं पाया, वो गाड़ी ने छोड़ दिया, इसलिए अब हम पैदल जा रहा है ना। देखो तो यहाँ पे दोनों लड़का भी जा रहे हैं हमारे साथ। अभी हम लोग ये रास्ता होके जाएंगे, ये है शॉर्टकट रास्ता, यहाँ होके ऐसा 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 होके वो पहला वाला देख रहे हैं ना, डांडा बोलता है ना उसको, वहाँ पे पहुँचना है पैदल जाके ना। यहाँ पे है एक तो छोटा सा फॉरेस्ट, ये क्रॉस करके हम लोग अभी जा रहा हूँ कॉल लेने के लिए। कॉल लेने के लिए आज तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे, गाड़ी ने भी छोड़ दिया और अभी हम लोग पैदल ही जा रहा है। यहाँ पे ओ तुम्हारा चेन खुल गया, हम इसको ऐसा कर देंगे। हाँ ठीक है चलो। और यहाँ से कितना टाइम लगेगा मालूम है छोतेन? हाँ सामतेन कितना टाइम लगेगा मालूम है? यहाँ से लगेगा आधा घंटा। कितना नहीं तो आधा घंटा लगेगा यहाँ से, और यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है जो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। सुबह का अभी 6:30 हो गया यहाँ पे, और मेरा साथ आज बहुत ज़्यादा मेरा दोस्त आया हुआ है। अभी ये दोस्त का सभी का स्कूल छुट्टी है कोरोना के वजह से, और अभी हम लोग जा रहा हूँ। गाड़ी तो आवाज़ कर रहे हैं ना ऊपर, नहीं गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो हमको छोड़ के चला गया। चलो 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 लेट हो जाएगा। और वाह कितना सुंदर देख रहे हैं ना, देखो तो वाह ब्यूटीफुल 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 है ना। सुबह का चिड़िया भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे साउंड कर रहा है ना, कितना सुंदर आ रहा है ना आवाज़ है ना। शाम तीन को तो हम कल ही फ़ोन किया था, तुम्हारा मम्मी ने फ़ोन पिकअप नहीं किया, क्यों सो रहा था क्या मम्मी और तुम? अभी हम लोग यहाँ से हमारा गांव वहाँ पे दिखता है, और अभी हम पहुँचने वाला है एक ठो हमारा जो पीने का पानी का रिसोर्स है उसको बोलता है हट्टा खोला, और हम पहुँचने वाला है हट्टा खोला में। अभी हम पहुँच गया कहाँ पे समथिंग बता दो तो, हट्टा खोला में, क्यों ये है हमारा पानी का पीने वाला पानी या जल का रिसोर्स है। कहाँ को जाने? और अभी हम जा रहे थोड़ा, हमारे तो पानी का रिसोर्स थोड़ा जल हमारे पास कम आ रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा उसको बनाने के लिए। और इधर है शांति नाउन बाटो फिर सर, और यहाँ से ऊपर जाके हम लोग और थोड़ा संभल के जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए तो हमारा पीने का पानी, अभी मैं भी जा रहा हूँ बाटो के पास क्योंकि रास्ता नहीं है, हम लोग ऐसा करके चढ़ाई करना ओए पड़ता है ऊपर में। और जो
मैन वर्सेस वर्ल्ड है ना, ये रियल में होता है। और हम नीचे से आ गए और इधर क्या बसा, बहुत ठंडा है। ओए यहाँ से ऊपर है हमारा पानी का मोन। हाँ हाँ आते सर, संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत यहाँ पे स्लिप हो जाएगा तो बहुत रिक्सी है ना। और हे पानी का सोर्स अभी यहाँ बन रहे हैं कुछ ऐसा, यहाँ से लेके जाता है हमारा पीने का पानी। चलो चलो लेट हो जाएगा। ओए 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 बिस्तारी किन कल गरेको, ल ल ल देखो तो कितना रिक्सी है ना, यहीं पे हम लोग ऐसा करके लेके जाता है। और यही जल यही पानी है ना हम लोग उसके लिए भी यूज़ करता है, जो कार्डामम के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना ज़्यादा रिक्सी में आके हम लोग उसके लिए पानी मेंटेन करता है, कितना मेहनत लगता है फिर भी उसका भाव बोलता है ना प्राइस कम है क्योंकि ओए रिक्सी रहेछ यहाँ पे। थोड़ा मैं गिरने वाला था यहाँ पे, गिर गए था हम यहाँ पे नीचे में चले जाते थे। अभी थोड़ा मैं अच्छे से पकड़ा हुआ था ऐसा कुछ ऐसा में। और हाँ हाँ हो गए चलो चलो आ रहा हूँ हम लोग। और देखो तो कितना मुश्किल रास्ता है ना, ये है रियलिटी जो हम लोग गांव में। ओए लड़ नहीं जाएंगे हम, फिसल जाएगा तो ओए। और देखो अभी मैं पहुंच गया सामतेन के पास, चलो लेट हो जाएगा बेबी। अभी हम लोग यहाँ से भी निकल चुका है क्योंकि बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए जब 5 क्लास 6 क्लास में जब पढ़ाई ज्वाइन करना पड़ता था, ये हमारा पास गांव में स्कूल नहीं है इसलिए हम लोग पेमलिंग बोल के वहाँ पर था एक तो हाई स्कूल। और वहाँ पे आने के टाइम में रोज़ हम लोग स्कूल में स्कूल आने के टाइम यही रास्ता होके आना पड़ता था, और सुबह आ जाओ शाम को वापस जाओ ऐसा करके ये रास्ता होके हम लोग आना पड़ता था। और यहाँ के रेनी सीजन में एक तो वो ऐसा बैम्बो का ब्रिज बना देता था पापा लोग, और वही बैम्बो का ब्रिज में होते हुए हम लोग रोज़ की तरह लाइफ इधर स्कूल आना जाना के लिए पढ़ते थे क्योंकि अभी तो थोड़ा एडवांस हो गया, अभी तो रोड वगैरह भी मिल गया यहाँ से और कम्युनिकेशन भी अच्छा है, इसलिए अभी ये रास्ता में ज़्यादातर लोग वो नहीं करता है, वो नहीं क्या क्या बोलता है उसको, पैदल नहीं जाते ना। और अभी तो वहाँ ऊपर से होते हुए जाते थे। अभी हम एक तो वो जो दिखाया था ना पहाड़ वहाँ से वहाँ पे पहुँचने वाला है, और यहाँ से हर 10 मिनट्स लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर पहुँच के जो वाला ये वाला है ना इसका नीचे का फल रहता है ऐसा बादाम जैसा, वो खाते थे भूख लगता था वो खा के हम लोग वापस घर जाते थे क्योंकि हम लोग घर से 6 बजे निकलते हुए और शाम को 3 बजे स्कूल ऑफ होता था, उसके बाद छुट्टी होता था इसलिए लेट हो जाता थे। और हम लोग यहाँ पे आके वो खाते थे, वो बादाम जैसा रहता है उसका नीचे का फल भी आ रहा है नीचे में। भैया वो छोटे देखो सुबह सुबह में आज को बहुत वो हो गए ना जॉकिंग, अभी तक सो रहा गा सोया होगा था रूम में, आज तो जाना पड़ा ना, कितना सांस फेर रहे देखो तो क्यों साइलेंस कर रहे हो मुँह। अभी हम लोग पहुँच गए एक छो यहाँ पे है बुंटी डांडा बोलता था क्योंकि हम लोग घर से टिफिन वगैरह सुबह में
मम्मी और पापा बना देता था कुछ ऐसा जो था ना कल का राइस को ऐसा फ्राई करके रेडी कर देता था। और यहाँ पे आके सुबह में यहाँ पहुँचते तो भूख ही लग जाता था, यहाँ पे आके बैठ के हम लोग ख़त्म कर देता था। और दिन में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, और वहाँ पे जाके वो बादाम जैसे है ना पेड़ उसको उखाल के खाते थे। और देखो तो इतना रास्ता आना पड़ता था, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ में पढ़ाई करने के लिए, फिर भी क्या करूँ, पढ़ाई करने का अभी तो वही नहीं है। देखो तो वहाँ से आए हुए हैं हम लोग, वो जो वो बीच का देख रहे हैं ना, वहाँ से आए हुए ऐसा ऐसा रास्ता हो के ये जंगल क्रॉस करके आना पड़ता था। देखो तो ये शांतिन भी इतना ज़्यादा सांस ले रहे हैं, थका है ना, वो तो बुरा ही, उसको तो हाल ही छोड़ दो। अभी हम लोग वो डाँडा से पेमलिंग का रास्ता, पेमलिंग का बॉर्डर भी बदला है ना, वो पे इंटर कर दिया। अभी यहाँ से 10 मिनट लगेगा जो हमारा मिशन तक पहुँचने के लिए, जो हमारा कौ है वहाँ घर तक पहुँचने के लिए। और आने के टाइम में हम लोग ये रास्ता लेके नहीं आएंगे क्योंकि बहुत रास्ता ख़राब है, क्योंकि छोटा उसका बेबी है और ऊपर का रास्ता ओके होते हुए हम लोग घर जाएंगे, है ना शांतिन? थक गए ना, भीम थक गए आज, मोटू थक गए। और ऐसे देखो कितना सुंदर है ना, कितना ब्यूटीफुल देख रहे हैं ना। हम लोग फिर भी यहाँ का वैल्यू नहीं समझते ना, क्या है हमारा गांव में, क्या है ऐसा बोलते हैं हमारा गांव का जो, क्योंकि खुद में खूबसूरत खुद में ढूंढ नहीं पाएगा तो दूसरे में क्या ढूंढेगा बोलता है ना। और जो खुद के हाँ खूबसूरत वही बोलता है, एक कहावत है ना, जो इतना ज़्यादा सुंदर कहावत है, जो खुद का इतना ज़्यादा व्यू है फिर भी क्यों हम लोग इसका वैल्यू नहीं समझते ना। और अभी हम लोग ये अंदर घुस गए थोड़ा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है ना बैम्बो का वो लकड़ी, कितना ज़्यादा बड़ बड़ है। अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाला है वो काउ के पास, और मैं ये कैमरा दे रहा हूँ मेरा छोटा ड्रोन के पास, ले जा। हाँ ड्रोन, मेरा थोड़ा बिजी है काम, हाँ ठीक है। हाय गाइस, हामी बल्ला बल्ला गाइकमा पुग्यो, अब यहाँ हाम्रो बसिङका चाहिँ बिजी छ, अब यहाँ अब यहाँ गाई निकाल्नु आँटेको छ, गाई काट्नु आँटेको छ, गाई काट्नु आँटेको छ, दुध पनि खायो भन्नु। हामी यहाँ बल्ल बल्ल आइपुग्यो गाई, अब यो गाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् होला। अन्त अब यहाँ म चाहिँ यो गाई पोजिसनमा आयो, चल जा, हाँ हजुर कितना सुन्दर हेर्नु छ त देख त आज ना हमारा खुद का घर में ना मिल खोका मालूम है, तुम खाए ना यस हां भूख लगा थूक भूख भूख नहीं कि मेरा पूरा धूलो भयो धूलो सब
अब हामी चाहिँ यहाँ दर्पणपट्टी लागेको आगर छ अब चाहिँ हामी कहाँ लागेको रे दर्पणपट्टी सिधा सिधा क्यामेरा उयो चट्टे पक्रा दुईटा हातले यसरी हो यसरी क्या हो क्या ओ माय गॉड यो त अच्छा नै हुआ ओ यो त डान्स कर रहा है बहुत अच्छा है अच्छा आज हम लोग लक्ष्मी माता और हम अभी पीपल डांडा के आसपास पहुंच गए हैं जल्दी करो नीचे में पंडी वेट कर रहा है इसके लिए कुछ बना के जल्दी आ जाओ जल्दी अभी थोड़ा थक गए ये इसका थोड़ा ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ और यहाँ पे है आज तो सभी को भूख लगा ना किस किस को भूख लगा इधर बता दो मुझको भूख लगा तुमको भूख नहीं लगा क्यों क्योंकि मैं दूध खा के आया हूँ वाह ये इसका ही खा के आया है हाँ ओके और आज तो हमारा सुबह सुबह में चाय भी मिल्क टी बनेगा सुबह में और दूध मुई बोलता है ना वो खाएंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे और मुई बनने यो चाहिँ हाम्रो घरमा टिम यो छ त्यहाँ त उयाँ चाहिँ छ यो क्यामेराको मालिक बसिङ्का अब यो चाहिँ हाम्रो गाई यो चाहिँ बसिङ्काको यो मालिकको गाई क्यामेराको लु अब हामी चाहिँ ल अभी हम लोग पहुँच गए हटा खोता में और आज तो हमारा ये है लक्ष्मी माता अभी हम लोग फाइनली पहुँचने वाला है हमारा घर अभी यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे है पंडित यार अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं ना चलो 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 नो अब फाइनली हम पहुंच गए घर में और यहाँ पे इसका सेटल करना है और फाइनली हमारा घर में आप पहुंच गया लक्ष्मी माता और ये भी देखे ख़त्म करके ख़त्म कर दिया और इसको अब यहाँ छोटा लक्ष्मी भी हमारे पास आ गया और थैंक फॉर वाचिंग एवरीवन ऐसा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वहाँ का लिखा हुआ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन